इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। वर्तमान में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो बीते 18 वर्षों से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ही राज रहा है। यह अलग बात है कि प्रदेश के अंदर तीन नेता मुख्यमंत्री के रूप में जनता को देखने के लिए मिले। पहले इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उमा भारती बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर बने, उसके बाद अनवरत रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शिवराज सिंह विराजमान है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ बने, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अदावत ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। इस बात की टीस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। अब 2023 में अक्टूबर और नवंबर के बीच में पुनः विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विशाल खबर ने विधानसभा चुनाव के हिसाब से जनता की नब्ज टटोलने की शुरुआत की है। विशाल खबर जनता के बीच में जाकर यह जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, विधायक कैसा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने बीते 18 वर्षों में क्या काम किए हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश विशाल खबर ने जनता से की है। आइए जानते हैं 2023 में किसकी बनेगी सरकार। विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने जनता से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि 2023 का मिजाज क्या होगा, 2023 में जीत का ऊंट किस कर बैठेगा। आइए हम आज बात करेंगे कि इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बार सतना का विधायक कौन बनेगा, मध्य प्रदेश में किसकी होगी सरकार। आज हमारे साथ सतना की जनता है, सतना के लोग हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, सतना का कैसा हो विधायक। आइए हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ सतना की जनता है, आप बताएं आपका नाम क्या है इस बार। आप दिलीप की, आप इस बार आप बताएं कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी की। कितना संतुष्ट है बीजेपी से आप? 101% सतना में बीजेपी के पांच काम बताएं। पांच काम क्या, पूरा देश के देश का विकास देख लो आप। सबसे बड़ी बात विकास की बात बताइए सतना की। सतना में भी क्या नहीं हुआ बताओ ना, क्या हुआ बताएं सतना में, क्या हुआ है, पांच काम बताएं बीजेपी है। नल व्यवस्था हो गई, पानी घर घर पहुंच रहा है, सभी को बाकायदे पूरा ध्यान दिया जाता है। सतना विधायक से आप कितने संतुष्ट हैं? सतना विधायक तो कांग्रेस का है तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। कितना संतुष्ट है? कुछ नहीं है। क्यों संतुष्ट है? कोई काम ही नहीं कर रहे हैं वो, निष्क्रिय बैठे हुए हैं, निष्क्रिय बैठे हुए हैं वो। आइए हम और लोगों से बात करेंगे कि इस बार सतना का विधायक कैसा हो, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने। आप बताएं इस बार मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? इसलिए कि क्या मुद्दे हैं भाजपा के? बहुत सारे विरोध हैं। क्या विरोध है भाजपा? पहली बात तो सतना में सांसद विधायक में नहीं पट रही है। दूसरी चीज़, शहर की सड़कें देख लीजिए, बिजली की समस्या देख लीजिए, और पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है, यही सब मुद्दे हैं। आइए हम और लोगों से बात करेंगे, इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे? इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे विकास के। इस बार चुनाव में मुद्दे होंगे विकास के, क्योंकि सतना जो है जब से 15-20 सालों से नगर निगम पे, सतना नगर निगम पे भाजपा का कब्जा रहा है। जो भी लोग आए हैं, सतना का विनाश ही हुआ है, विकास नहीं हुआ। आप पानी की समस्या देख लीजिए, आज भी गलियों में पानी नहीं पहुंचता। बिजली की समस्या देख लीजिए, 4 गुना बिजली के बिल बढ़ गए हैं, फिर भी लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। इस भीषण गर्मी में भी रात में लाइट गोल हो जाती है, लोग बिलबिला के बाहर निकल आते हैं। 600 करोड़ की नगर निगम है सतना की, जिसका टैक्स के जरिए पैसा हम भरते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती। आप 6 के बाद शहर चले जाइए तो शहर ट्रांसपोर्ट नगर में तब्दील हो जाता है। महापौर जो हैं लंदन में अवार्ड लेने जाते हैं, अपना शहर नर्क से बदतर हो गया है। शहर में चलने लायक सड़कें नहीं है, सीवर लाइन खोद के फेंक दी गई हैं और सड़कों में कीचड़ भरा हुआ है। इसके हिसाब से वोट लेंगे? किस हिसाब से वोट लेंगे? हमारा विधायक सबसे बढ़िया विधायक है। जारी होगा नहीं, विकास होगा।
विकास होगा। हम शहर का विकास को प्राथमिकता देंगे जिस शहर में रहते हैं। हमारा शहर स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी ऐसा स्मार्ट सिटी है कि जो देहात से बदतर है। आप शहर कहीं का अंदर जाके देखिए ना, आप चलने लायक है क्या शहर? ट्रैफिक व्यवस्था नगन है, ट्रैफिक शहर के अंदर ट्रकें खड़ी होती हैं, जहाँ देखो वहीं ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं, बीच रोड में हवलियाँ खुलती जा रही हैं, शराबखाने खुलते जा रहे हैं, लोग चल नहीं पाते हैं, लूट खसोट मची हुई है। इसके आधार पे मतलब बीजेपी वोट लेगी? किस आधार पे बीजेपी वोट लेगी? इस बार सपना का विधायक कैसा होना चाहिए, कौन होना? जैसा विधायक है वैसा ही होना चाहिए। कम से कम उसके ऊपर कोई लाछन नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएं, आप इस बार कैसा विधायक चाहते हैं? अब विधायक के लिए तो अभी समय है, 2023 में चुनाव होने वाले हैं। अब जब तक चुनाव आएगा तब फिर उस समय विधायक का अपन देखा जाए कौन अच्छा विधायक है। जब मैं तैयारी हो जाए कौन कौन लड़ रहा है। अभी वर्तमान विधायक साहब कितना संतुष्ट है? विधायक जी अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सतना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 बड़े काम आप बताए हैं। विकास, अब विकास में ये है कि जैसे चल रहा है ओवरब्रिज बन गया ये, और अभी काम महापौर जो काम चालू किया है वो रोड का, रीवा रोड से लेके और सुहावल तक, ये जब बन जाएगा तब वो आपको दिखेगा कि क्या बन रहा था इसमें। साल चुनाव के पहले पहले आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में 2023 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे, सीधे बात करते हैं। आप बताएं कि इस बार सतना विधायक कैसा होना चाहिए? जैसा है वैसा रहना चाहिए। विधायक से कितना संतुष्ट हैं आप? 100%। भाजपा की सरकार है 2000 पिछले 18 सालों से 18 वर्षों से, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब आपसे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा। आप खुद देखिए कि जो सतना 30 साल पहले था वही सतना आज वहीं पर खड़ा है, और यही रीवा को देख लीजिए। विकास तो इनको दिखता है पर मुँह में, अगर आप क्षेत्र में जाइए तो कहीं विकास की कोई बात ही नहीं है। गाँव से भी बदतर जीवन जीने के लिए यहाँ लोग मोहताज हैं। न रोड है, न पानी है, पानी की पाइपलाइन नहीं है, विकास है। बीजेपी तो बड़े बड़े वादे करती है, हमने बड़ा विकास किया सतना का। वो ढपोर शंख है ही है, वो झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। वो 20 साल से झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ के अलावा घोषणा वीर मुख्यमंत्री। इस बार क्या लगता है जो 2023 में किसकी सरकार बनेगी? ये तो कांग्रेस की बन रही है, तो सब बता रहे, बच्चा बच्चा बता रहा। ये देखिए हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों में कोई कहता है कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई कहता है भाजपा की सरकार बनेगी। आइए हम फिर बात करते हैं सतना की जनता से। आप बताएं इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी सरकार। भाजपा के 5 काम बताएं आप जो सतना के लिए अच्छे काम किए। भाजपा के 5 काम है, घर घर पानी पहुंच रहा है, पाइपलाइन नहीं पड़ी, पाइपलाइन पड़ गई है, सड़कें दुरुस्त हैं, ओवरब्रिज बन गए हैं, है ना, और जो नाली है उसका भी विकास हो रहा, चौड़ीकरण हो रहा शहर का। सतना आपका स्मार्ट सेंटर में आ गया, आपका स्मार्ट सिटी, मेडिकल कॉलेज आ गया है, अब क्या है बताइए ना। आपका स्मार्ट सिटी आज से 15 साल पहले सड़क में चलने लायक रास्ता थी क्या? बताइए आप, पूछे किसी से चलने रास्ता रही हो? रात को 2-2, 3-3 बजे लगातार आदमी रात को उठ के छत पर जाता रहा, पानी के लिए ऑटो में रख के पानी भरता रहा, वो समय सबको याद है। गैस सिलेंडर के लिए 2 किलोमीटर की लाइन लगती थी, वो भी याद है। मगर अब उस महंगाई जो है सरकार, इसका कोई नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार बताएं इस बार सरकार? मैं सतना से बिलोंग करता हूं, शिवम सिंह बघेल, मैं छत्री हूं जी, मैं घर से बोलता हूं मैं छत्री हूं, मैं सतना से बिलोंग करता हूं, सोनोहरा गांव पर ग्राम पड़ता है मेरा, इधर से 5 किलोमीटर। इस बार 2023 में चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे कुछ नहीं है, शिवराज को हटाओ, प्रदेश बचाओ, अकेले में मोदी ही आएगा। मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिला है ना, मिलेगा इस बार क्या लगता है आपको? मतलब नहीं, ठीक है, मेरा नाम है, मैं वार्ड कमांड वाइस का, शैलेंद्र सिंह है मेरा नाम, वार्ड कमांड वाइस का निवासी हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्र में, चलिए ठीक है, मोदी जी ने बड़े बड़े मुद्दों में काम किया है, लेकिन वो स्टेट लेवल में काम नहीं किया है, केंद्र लेवल में किया, अपर लेवल में काम किया है। तो केंद्र में अपना ये, स्टेट में तो ये है कि शिवराज सिंह की सरकार ऐसे चली है कि बिल्कुल भ्रष्ट चल रही है। हम तो ये बोलना चाहते हैं, सब लोग शिवराज सिंह हटाइए आप, बाकी लाइए कुछ जी। हम सब लोग परेशान हो गए शिवराज सिंह की सरकार से। अब आप देखिए कि मेन रोड है, यहाँ की सड़कें अब टूट रही है,
अगर तुम्हें काम करना था, पाइपलाइन डालनी थी, गैस एजेंसी डालनी थी, गैस की पाइपलाइन डालनी थी, पहले डाल देते। तुम्हारी सरकार 15 साल से चल रही है, लेकिन रुकिए, बंदों को रोजगार ही मिला क्या है? गैस पाइप डाल रहे हैं आप, बंदों को रोजगार दो ना, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ से दूसरे जगह जा रहे हैं आप। हम सतना की जनता हमारे साथ है, सतना के लोग हैं, हम सीधे बात करेंगे। आप बताएं इस बार क्या सोचते हैं चुनाव में, आप चुनाव किन मुद्दों पर होगा? जाति मुद्दे पर होगा, विकास मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा? चुनाव इस बार क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष सिंह, वार्ड नंबर 42 का निवासी हूँ, सतना का निवासी हूँ। इस मुद्दे इस बार चुनाव में क्या रहेगा? इस बार मुद्दा जो रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा। विगत 20 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक विकास किया है, जिसके बारे में एक एक चीज कितना भी आदमी कह सकता है, आप ही बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शंकर लाल गुप्ता। सरकार किसी बने, हमारा विधायक ऐसा हो जो सतना शहर का विकास करे, जो कि अभी अपना शहर विकास से कोसों दूर है। अपने यहाँ स्मार्ट सिटी तो बन गई, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ नालियाँ खोदी जा रही हैं और सीवर लाइन खोदी जा रही है, उसको भी ढका नहीं जा रहा, कवर नहीं किया जा रहा। आज कोई हमारे यहाँ आ जाए तो हम शहर में क्या चीज़ दिखाएं? अपने यहाँ आप रीवा जाइए, रानीताल जाइए, कहीं भी दिखाया जा सकता है, लेकिन सतना में कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। जगत देव तालाब है, उसको साफ करने के नाम पर दो दो तगाड़ियाँ निकाल देंगे और फोटो खिंच जाएगी। कहीं भी एक भी तालाब की सफाई नहीं हो रही। नारायण तालाब को देख लीजिए आप, वहाँ नाव चलाने की बात आई थी पर्यटन बढ़ावा देने के लिए, आज देखिए सब वो जो पार्क बना हुआ था सब उखड़ फुकड़ के किनारे हो गया है। विकास कहीं भी सतना में दूर दूर तक नहीं दिखता। पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं उनके कामों से? देखिए, कामों से संतुष्ट हैं, लेकिन शहर का विकास हमारे नहीं हो रहा है। हमारे सतना का विधायक कैसा होना चाहिए और सतना के विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? सतना के विधायक से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि विकास, देखिए सरकार नहीं है भले, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि अभी हमने जैसे बोला कि शहर में अपने जो ऐतिहासिक स्थल हैं उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो सब पुराने हालात में पड़े हुए। विकास की नाम तो ली जा रही, लेकिन विकास नहीं किया जा रहा है। इस बार आप बताएं 2023 में क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, अपने लोग अपनी बात रख रहे हैं शहर के विकास को लेकर, इन मुद्दों को लेकर आज हम सतना की जनता से बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग, उनसे बात करेंगे। आप बताएं आपका नाम क्या है और क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? संजीव अग्रवाल। अब की बार मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है और निश्चित रूप से 18 वर्षों से सतना में और पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब की बार का टर्न छोड़ दिया जाए तो हमारे सतना में लगातार 20 वर्षों से भाजपा का महापौर है और नगर निगम में मेन एजेंसी होती है नगर निगम काम करने वाली। लगातार 20 साल से रहने के बाद भी शहर का जो विकास होना चाहिए वो समुचित विकास नहीं हो पाया है। विधायक कांग्रेस का है लेकिन बाकी पूरी मशीनरी भाजपा की है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब दूसरे को मौका दें, सरकार दूसरी हो, ताकि विकास हमारा जो सपना है विकास के लिए अग्रसर हो और विकास की दिशा में चले। विधायक साहब संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। विधायक का जो कार्य क्षेत्र है, विधायक का जो फंड है, वो पूर्णतः शहर पे खर्च हो रहा है, शहर पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मेन एजेंसी है नगर निगम, उस नगर निगम में 20 साल से महापौर भाजपा का है। कार्य करने वाली एजेंसी नगर निगम है, सरकार भाजपा की है, तो इन दोनों का, और सांसद भी यहाँ लगातार 20 साल से भाजपा का है, लेकिन इन तीनों में बढ़िया तालमेल ना होने से शहर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इसलिए हम सरकार चेंज करना चाहते हैं। बगल में रीवा है जी, उसका विकास बहुत आगे है, सतना का विकास नज़र नहीं आता, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे सरकार, सांसद, विधायक और नगर निगम, इन तीनों चारों में बढ़िया तालमेल रहा, जिसके कारण वहाँ समुचित विकास हो पाया। हमारे यहाँ पे भाई भतीजावाद आपस में हैं, सब भाजपा के, लेकिन आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, इसलिए इन सबको अब हटाना ही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार यदि काम नहीं करेगी फिर दूसरा मौका है। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, जनता का मूड है, क्योंकि जो हमारे सीएम हैं उनकी घोषणाओं से लोग त्रस्त हो चुके हैं,
वो रोज नहीं घोषणा करते हैं। 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैहर जिला बनेगा, आज तक कहीं कोई उसमें नहीं है। तो इसलिए बदलाव की मुहिम है और जनता बदलाव के साथ है। जनता बदलाव के साथ है हमारे साथ, और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, इस बार मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपकी बात, किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बदलाव है। और मैं गणेश अग्रवाल टिकुरिया टोला से बोल रहा हूँ। इस बार बिल्कुल ही भाजपा को उखाड़ फेंक दिया जाएगा और बदलाव की स्थिति है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। क्यों लग रहा है कांग्रेस सरकार आएगी? इसलिए क्योंकि जो भी विकास कार्य हैं कहीं कुछ नहीं। इतना व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टैक्स व्यापारी देता है, व्यापार नहीं कर पा रहा, हर चीज़ में व्यापारी चोर कहलाता है, आए दिन अफसरशाही चल रही है, अफसरों द्वारा परेशान किया जाता है, बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता है, हर जगह रिश्वतखोरी है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां की रिश्वत लिए बिना कोई कार्य हो। 2023 में चुनाव होगा जी, सतना का विधायक चुना जाएगा जी, आप किस तरह का विधायक चुनेंगे इस बार? हम ऐसा विधायक चाहते हैं कि जो कि जन और मूलभूत समस्याओं को हमारी देखे। हमारे पास चलने के लिए रोड हो, नाली हो, पानी हो, लाइट हो, ये सब मूलभूत सुविधाएं हो। हमको क्या करना है? भाजपा द्वारा जो भी आ रहे नेता सिर्फ ये पोज बना के आते हैं, क्रीज बनाए रहते हैं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। जिस डिपार्टमेंट में जाओ अफसरशाही है, सिर्फ पैसा मांगते हैं, कहीं कोई काम नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना कहीं कुछ है। वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, पूर्णतः। क्यों? अरे पूर्णतः संतुष्ट। हमारे जो भी कार्य, जो उनके क्षेत्र में कार्य आते हैं, वो सुने जाते हैं, एवं हमारे कार्य समय पर किए। आधी रात के हम फ़ोन करते हैं, आधी रात के हमारी बात सुनते हैं। आधी रात को फ़ोन करते हैं, बात सुनते हैं हमारे साथ, और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं, इस बार 2023 में भी नवंबर अक्टूबर में चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश किसकी सरकार बनेगी? सरकार इस बार बदलाव है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुशवाहा है। इस बार पूर्णतः बदलाव होगा, और ऐसा बदलाव होगा कि ऐसी बहुमत होगा कि इस बार ये भ्रष्ट सरकार खरीद भी नहीं पाएगी। ये सरकार बनने के बाद खरीदने का काम करती है भाजपा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का काम करती है भाजपा। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनके वोट से कोई मतलब नहीं है। इनको ये लगता है, इनकी जो हुकूमत है, ये ऐसा लगता है कि आप वोट किसी को भी दो, हम सरकार खरीद लेंगे। इस बार इतने बहुमत से सरकार बनेगी कि इस बार ये खरीद भी नहीं पाएंगे, और जनता अब इनके 18 सालों की इनकी जो विकास है देख चुकी है, समझ चुकी है। सतना का विकास न होने के कारण इसके पूर्व में जो रहे हैं यहाँ के विधायक भाजपा के, सरकार थी यहाँ पे भाजपा की 20 सालों से, महापौर भाजपा के थे यहाँ पे। आप एक फ्लाईओवर देख लीजिए, फ्लाईओवर 18 साल में 15 साल में फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ। एक घर बनाने में भी चार कर्मचारी लगते हैं, और चार कर्मचारियों ने फ्लाईओवर बना दिया। ये है भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश की। इस बार बदलाव पूर्णतः होगा, जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बताएं कि आप क्यों लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव इसलिए होगा कि जनता आम जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा, उससे जनता एकदम से परे है। सिर्फ भाजपा के नेताओं की जेब भरी जा रही है, भाजपा के नेताओं का विकास हो रहा है, ना कि हमारे प्रदेश का, ना कि शहर का। सतना में आपको कितना विकास नज़र आता है? सतना में कोई विकास नहीं है। विपक्ष में विधायक है, उसके क्षेत्र में जितने चीज़ें उन्होंने दिया है, खंभा दिया है, ग्रामीण में हैंडपंप दिए हैं, अपने मत से लोगों की मदद की है। आज अस्पताल चले जाइए, अस्पताल में वो सुविधा दी गई जो आज आपको मतलब बड़ी बड़े अस्पतालों में, मेट्रो जैसे अस्पताल में वो व्हीलचेयर और वो नहीं मिलेगा जो अपने सरकारी अस्पताल में दिया गया। इसके पहले दिए हुए सामान 5 दिन में टूट जाता रहा। चरक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके सामान बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे, वो अपने जिला अस्पताल में माननीय विधायक जी द्वारा दिया गया। बदलाव हो के रहेगा। हमारे साथ सतना की जनता है। आप बताएं, 2023 में चुनाव होने वाले हैं, इस बार आप वोट डालने जब आप जाएंगे जब, तो आपके मन में क्या होगा? भाई, जो विकास कर सके, अच्छा विकास हो, और शहर का सभी जनता की पूरा काम हो, ऐसा विधायक चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं, और सतना का कितना विकास हुआ? देखा जाए तो सतना का काफ़ी विकास हुआ है। इसके पहले कोई रोडें नहीं थी, आज शहर में रोडें हैं, और सतना का विकास ठीक ठाक हुआ। क्या लगता है इस बार 2023 में किसकी सरकार बनेगी? बदलाव होगा कि वर्तमान सरकार रहेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। ये थी सतना की जनता, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इस बार
किसी ने कहा बदलाव, किसी ने कहा सरकार वर्तमान फिर रिपीट होगी। सतना से फिरोज खान, विशाल खबर।